और अब धुले जा रहे हैं बर्तन। और ये सारे गाइस देखो मम्मी डर रही है, ये देखिए मम्मी देखिए इतनी बुढ़ी होके भी इतना सारा काम करती है मेरी माँ देखिए। माँ बोल रही मुझे मत निकालो, बार बार तुम लोग खुद को निकालते रहो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग नई वीडियो में। और आज का ब्लॉग जो है फिर से देखिए स्टार्ट हो रहा है मेरे मायके में ही। तो अभी हम लोग उठे थे थोड़ी देर पहले 7:30 बजे, तो काफ़ी ठंडा है तो अंदर ही थे। और कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी, सर दर्द हो गया था, तो आज मैं जल्दी नहीं उठी, आराम से उठी। तो बस अभी उठ के जो है बाहर आ रहे हैं और सुबह सुबह का नज़ारा देखिए। ये देखिए मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा से, और मम्मी अभी गई है गौशाला दूध निकालने के लिए, तो दिखाती हूँ मैं आपको अगर दिखे तो दूर से। तो ये देखिए मम्मी, ये देखिए गौशाला में, ये देखिए यहाँ पे हमारी गौशाला है। और मम्मी देखिए ये है, ये है गौशाला, ये देखिए केले के पेड़ हैं सारे हमारे इतने, और ये है रोड, और ये हमारी गाड़ी रही। और ये देखिए आधा जो है पहाड़ों में धूप आ चुकी है, मस्त मस्त धूप का नज़ारा देखिए ऊपर ऊपर। तो ये देखिए अभी जो है मैं आ चुकी हूँ किचन की तरफ, धुआं आ रहा है किचन से देखिए। तो हस्बैंड अभी सो काम पे लगा दी है मैंने, क्योंकि मुझे ठंडा लग रहा है। तो यहाँ पे बन रहे हैं आज मूली के पराठे, और धुआं देखिए काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो ये देखिए काफी ज्यादा जो है धुआं किचन में, और कल यहाँ पर लकड़ी की गड्डी वगैरह थी, हस्बैंड ने सारा यहाँ पे खाली करा कल अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे इधर लगा दिए हैं लकड़ी, और हमारा मन नहीं कर रहा था, यहाँ काफी धुआं हो रहा है, काले भी हो रहे हैं यहाँ बहुत। जिस मिट्टी में जन्म लिया उसमें क्या तारे। तो अभी जो है ये पराठे बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कद्दूकस कर रहे हैं, मूली को थोड़ा सा छौंकेंगे यहाँ पे मूली, और फिर मैं गैस में बनाऊंगा पराठे दूसरे वाले रूम में। यहाँ पे मेरी बस्ती भी है, पर बहुत मजा है क्योंकि तबीयत कल बहुत ज्यादा खराब हुई मेरी, सुबह से उल्टियां कर करके परेशान दिन भर, दिन में जाके जो है मेरी तबीयत खराब सही हुई, मतलब दवाई खा के। तो ये देखिए काम पे लग चुके हैं। तो ये है किचन गार्डन, देखिए बहुत सारी सब्जी बो रखी है। माँ आएगी, ये देखे मम्मी देखे इतनी बुढ़ी होके भी इतना सारा काम करती है मेरी माँ देखे। कोई बात नहीं, ये देखो इतनी लकड़ी लाती है कंडे में, और इसमें लाई है लोगों के यहाँ से मट्ठा छां कड़ी बनाने के लिए किचन में ना, अभी तक नहीं खोद। और अभी को थोड़ा सा काम पे लगाते हैं, ये बहुत आराम करता है देखिए, इसको जरा दिख नहीं रहा, बॉक्स के ऊपर रख दे आराम से, जगह बना के है गिनाना नहीं। आई दुई टोपी धो रही हमें, माँ को देखिए ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी, काम करके आ गए हमें ठंड लग रही है बैठे बैठे। और सुबह सुबह देखिए सभी लोग जो है काम कर दे अपने गौशाला घरों में, सुबह का जो है रूटीन इस तरह से गाँव का। अभी देखो काफी स्माइल दे रहा है ये। तो माँ देखिए आते ही लग गई यहाँ पे झाड़ू मारने में, तो घर में ऐसे रूटीन होता है सुबह उठते ही झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ रोन देना तक करे दिन माँ तो ये देखिए यहाँ पे लग चुके हैं, और मूली कद्दूकस करके यहाँ फ्राई कर दिए इन्होंने, और बस हम अब जो है उधर के किचन में जाएंगे और वहाँ पे बनाएंगे फिर। हेलो गाइस, अब हो रहा है तेरा हेलो, क्या हुआ है, कुछ तो हुआ, तो बस चलते हैं हम पराठे बनाने की तरफ।
तो देखिए आटा गूंदिया है मैंने और पराठे की तैयारी हो रही है। और गांव में तो जो है मम्मी के पास गाय वगैरह दूध वाली नहीं है, तो देहरादून से ये लेके आए हम अपना घी अपना पराठे बनाने के लिए। और ये रही मूली फ्राई कर दी है, तो चूल्हे पे देखिए मस्त एक तरफ से जो है आग की सिकाई हो रही है और इधर से हवा लग रही। पर अभी सेक रहा मस्त आग। तो ये देखिए छोटे छोटे से जो है पराठे बनाते हैं फटाफट से और मम्मी को भी खिलाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं। और ये दो दो चूल्हे जला रखे हैं देखिए हमने बच्चों का। मेरा वाला खतरनाक है, अभी मेरा वाला खतरनाक है। बोल पूरा बोल घर वाले में बोल कुछ चल। हेलो गाइस क्या करना आज बोल दगड़ियो क्या करना बोल। हेलो गाइस दगड़ियो क्या करना तू। सब लोग ठीक ठाक थी ना। सब लोग ठीक ठाक थी ना। अरे यार इसमें पानी निकल रहा देखिए फट गया है ये पराठा क्योंकि यहाँ पानी निकलते भाई ये मूली फ्रेश है ना। क्या रही की मूली है नानी को देने गरम गरम ये खाली नहीं है पे। ये भी बुलाओ ना नानी को। अरे जा अभी तू दे दे चाय गरम हो गई यहाँ आओ आपको बुला रही बोलो। कोयले भर के तो लाल हो गए गुस्से वाले अभी से पी रहे तब चाय नहीं पीना है मम्मी को पट पराठा दे तू नाश्ता यार अरे खाओ पहले मम्मी को दिया तू बैठो है ना खाओ गाइस ये हमारा पराठा ये जो की बहुत गर्म है ऐसी बनाती है ए ऊपर नहीं कर बेबो वन दैट वो मोर का से मार तो वो मन निकालो बच्ची जादू क्या वो इमा माँ बोल रही मुझे मन निकालो बार बार तुम लोग खुद को निकालते रहो। देखिए सब बस इतना ही है अभी फिलहाल हम लोग ज्यादा नहीं है यहाँ पे। वो हम तो खाना ले ये खाना नहीं होता दीदी वो धूप आ रही है धूप आ रही है चाय ले दो। अरे हम तो ना खा रहे चाय ले अब ये ले लो मिन्ना हम बोल मूवी में तब मिल जाएगा बैठो 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 तो अब देखिए हो चुका है हम लोगों का नाश्ता और हम आ गए हैं बाहर धूप में। नहीं 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 बैठ जा बैठ जा बैठ जा वो देखो मम्मी बैठ जा कालू बैठ जा कालू बैठ जा कालू। डाई डाई फूलों की तुझको पुकारे रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में तो जो है हम लोगों का हो गया है पराठे वगैरह खा लिए हैं और अब धुले जा रहे हैं बर्तन। और ये सारे बर्तन है ये मैं नहीं धोगी मम्मी धोएगी मैं छोटे छोटे से धोती हूँ। और अब अच्छी धूप आ गई है यहाँ पे देखिए काफी अच्छी धूप आ गई है। गाइस देखो मम्मी डर रही है ज
तो यहाँ पे देखिए नहाने के लिए जो है पानी गर्म हो रहा था, तो अभी पहले मैं बाल धोऊंगी। और हस्बैंड देखिए पाइप छोड़ रखा था यहाँ पे क्यारी में, तो थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा जो है मम्मी ने नीचे आलू लगा रखे थे यहाँ पे, तो पानी डाल रहे हैं। तो देखें नहाने के लिए जो है पानी गर्म हो गया है, तो पहले मैं सर सब धोऊंगी और तब नहाने जाऊंगी। तो बस अब जो है मैं पहले बाल धो रही थी, क्योंकि बाथरूम में काफ़ी ठंड लगती है, तो पहले बाल धो देती हूँ। तो पहाड़ों में इस तरह से जो है हम लोग ऐसे ही करते हैं, सर धो देते हैं पहले। तो देखिए अब जो है टाइम भी काफ़ी हो चुका है, और अभी मैं नहा के आ गई हूँ, बस कपड़े धुलने हैं हमने, और बस फिर भात बनाएंगे बाद में। और यहाँ पे देखिए हमने जो है संतरे लाए थे, अमरूद लाए थे, बस धूप में बैठ के इससे मजा ले रहे हैं। ये देखो नमक पिसा हुआ, इस तरह से खाया जाता है यहाँ पे, एंटरटेन किया जाता है, एंटरटेन। तो मम्मी जो है अभी जा रही है घास लेने के लिए, तो थोड़ी देर में आएगी माँ। तो अभी हम जो है भात बनाएंगे थोड़ी देर में, और हम खाते हैं अमरूद और संतरे, नमक लगा के घर का खाइए। तो आज के ब्लॉग का जो है यहीं पे एंड करेंगे, नहीं करते हम एंड, और फिर मैं जो है नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी इसके बाद, और क्योंकि हम कड़ी भात बना रहे हैं इसके बाद, कड़ी वाला, इसके बाद हम कड़ी चावल बनाने वाले हैं आग में, तो उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग बनेगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक का, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पेज को फॉलो करें, पेज को फॉलो सब करें।